हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका सचिन और आज हम करें एक न्यू ब्लॉग का स्टार्ट। आज मैंने बुलाई है मॉडल जिसका नाम है खुशी, बहुत सुंदर लड़की है और अभी हम शूट करेंगे साथ में दोनों। मैं दिखाता हूं आपको, उसका अभी मेकअप चल रहा है और क्लीन शेव है। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है बताना जरूर। तो मैंने थोड़ा स्टाइल भी चेंज किया है, जो मैं पहले रखता था वो दोबारा से वही किया है। तो अभी मैडम मेकअप कर रही है और अच्छे से मेकअप करना प्लीज़ यार, मैं बहुत मेकअप करती नहीं हूँ तो अब पता नहीं। कोई नहीं, सुंदर लड़कियों पे थोड़ा सा मेकअप बहुत अच्छा लगता है। हर्षित शूट करते हुए और हर्षित आता तो बढ़िया टी शर्ट पहन के आया। सो गाइज, मैं मिलाता हूँ आपको खुशी से, जिससे मेरी बात हो रही थी 2020 से और मिले हम 2022 में और एक साथ शूट कर रहे हैं। सिर्फ बातें चल रही थी कि हम अब मिलकर शूट करेंगे, साथ में मिलेंगे, और बाद में पता चला कि मेरे वो रिलेशन में ही है, मतलब मेरे मामा की साइड से जान पहचान में है। तो मैं मिलाता हूँ खुशी से। हाय, हाय एवरीवन। और खुशी अब मेरे साथ रेगुलर शूट करेगी और अभी उनका फर्स्ट डे है। Yes. तो तुमने मतलब शूट स्टार्ट कैसे किया, मतलब मॉडलिंग कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट किया, टाइम हो गया? ओके, सो दो ढाई साल पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मम्मा का बुटीक था, तो उनको एक मॉडल चाहिए थी ब्राइडल शूट्स के लिए, लहंगों के लिए, तो उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट करा, फिर उसके थ्रू मैंने वहाँ से शुरू करा। फिर आई थॉट हाँ इट्स अ नाइस लाइन, आई कैन गेट इनटू इट, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा मॉडलिंग करना। तो मॉडलिंग करना इन्हें वहाँ से स्टार्ट किया और अभी हम साथ में मॉडलिंग करेंगे यहाँ पे। मतलब मैं जैसे अपने नए नए मॉडल से आपको मिलवाता हूँ, बताता हूँ किसने कैसे मॉडलिंग स्टार्ट की। तो उन्होंने भी अपने एक फ्रेंड के साथ ही मॉडलिंग स्टार्ट की है और ये तब से कर ही रहे हैं और ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं, इनकी डांस अकेडमी भी है खुद की। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत परफॉर्म कर चुकी हूँ, तो मैं क्लासिकल डांस। सो बहुत टैलेंटेड लड़की है और हमें सुंदर सुंदर मतलब मॉडल्स होती है, लड़कियाँ होती है, उनकी ही नीड होती है कि हमारे पीसीज अच्छे से हो जाए, शूट अच्छे हो जाए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन का काम होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह का। तो हम सोचते हैं कि अच्छे से शूट हो जाए और मॉडल हमारे पास सुंदर सुंदर मॉडल आती रहे। और आज तुम्हें मेरे साथ शूट करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत हेडेक होगा, मैं थक जाऊंगी और बहुत ज़्यादा टायरिंग होगा, पर नहीं, बहुत फन आ रहा है। फटाफट क्विक चेंजेस करके और फटाफट शॉट्स दो, तो मतलब इट्स वेरी मच फन, आई रियली लाइक इट, और मैं अभी तक थकी नहीं हूँ, अभी अच्छी एनर्जी है। तो हम अभी हर्षित के स्टूडियो में हैं और हर्षित बैठे बैठे मेरे को ये बोला कि तुम रोज एक सवाल क्यों पूछते हो हर मॉडल से। तो भाई मैं हर मॉडल से नहीं पूछता हूँ ये सवाल, हर एक नई मॉडल से पूछता हूँ, पता तो चलना चाहिए कहाँ से किसने कैसे जाने अपनी मॉडलिंग में स्टार्ट किया है, कैसे उनकी शुरुआत हुई है, पता चलता है तो अच्छा लगता है। जो करना चाहते हैं उनको तो पता चले कि हाँ ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो हर्षित बैठा है अभी, देखो ये नहा के नहीं आया, वैसे तो आया तो नहा के, अच्छे से बताइए झूठ बोल यार, जिम जाता तो नहा के आता हूँ, जिस दिन जिम जाता है उसे नहा के आता है, ऐसी बात नहीं, लड़का है बढ़िया। तो हमारे पास दो खुशी थी, एक खुशी जा चुकी है और दूसरी खुशी आ चुकी है, अच्छी वाली खुशी आ चुकी है। वो ब्लॉग देखेगी? हाँ वो ब्लॉग देखेगी। जितनी भी लड़कियां जिनका नाम खुशी होता है वो सभी बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। तो ठीक है, आप देखना अब हम, मेरे को ना खुशी से बहुत ही ज्यादा लगाव है, मुझे खुशियाँ चाहिए होती है, तो मैंने खुशी गई दूसरी खुशी को फटाफट से बुला लिया। तो करते हैं हम साथ में शूट, आप देखते रहोगे हमारे ब्लॉग्स जो हम बनाते रहेंगे आगे। एक खुशी वाली लाइन थी ना कि मैंने एक खुशी जा चुकी, दूसरी खुशी आ चुकी, मेरे को हर्षित ने बोली कि ये वाली डायलॉग बोलो, ये वाली लाइन बोलो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और तुम अपने आप को हल्का फील करोगे। तो मैं वाकई में बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, मैं पहले 87 kg का फील कर रहा था और ये बात बोलने के बाद मैं 80 kg फील कर रहा हूँ, 7 किलो वजन कम हो गया मेरा। और अभी हम आए खाने, बहुत टाइम बाद, अभी बज रहे 4:30 और खुशी बोली थी कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगी है, तो मैंने कहा फटाफट से खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से लड़की की भी है, हम बहुत कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है, मेरा 1 घंटे वेट भी किया है मेट्रो स्टेशन पर।
पहले ही दिन मैंने वेट करा दिया वो एक घंटे। सो हमने मंगाया, क्या मंगाया तो वही खाते हैं। मैं तो मुझसे ही ना नहीं पाता मोस्टली, और आज मैं खुशी को भी खिलाने वाला हूँ। टेस्टी लग रहा है खाने में, तो देखने में अच्छा है, खाने में भी अच्छा होगा, खा के देखो बहुत बढ़िया है। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna... So guys, अभी time हो रहा है, 8:40, और अभी हम शूट चल रहे हैं और गोविंदा भी शूट कर रहा है। गोविंदा 1:30 बजे आया था शूट पे, और मैं बोल रहा है कि अभी इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, जितनी हिम्मत है कुछ कर लो मेरा जा। गोविंदा 1:30 बजे आया था शूट पे आज, और मॉडल हमारी वेट बेचारी सुबह से शूट कर रही है, और ये कुछ नहीं कर रहा बंदा, ये फाइव फिर Hey, I got something to say. I'm just so sick of. प्रगति मैदान, यहाँ इवेंट चल रहा है, मतलब इवेंट क्या, यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है, कैमरा मार्क, सारा कैमरे का सामान, कैमरे से रिलेटेड। और यहाँ पे सारा जितने भी फोटोग्राफर हैं सारे आए हुए हैं, और मैं भी आया हुआ हूँ, मैं भी देख संस्कारों में आए हुए दोनों, देखने यहाँ पे कि यहाँ क्या मिल रहा है, हमारे काम का क्या मिल सकता है। और यहाँ हमारे जान पहचान वाले बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक बोल के यहाँ ब्लॉग बना लें, राकेश भैया। और यहाँ सोनी का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ सोनी का स्टॉल है, ये मॉडल बैठी है, फॉरनर हीरो मॉडल, और ये फोटो है आपका फोटो बुक्स का डिजिटल फोटो बुक, और वो है आपका निकॉन पे हमें मिली थी सिम, जिससे हमने बहुत अच्छे से बात की, और यहाँ मिली थी हमें हिना गोडॉक्स पे, ये है गोडॉक्स का स्टॉल, और वो कॉनिका मनोल्टा, तो यहाँ सभी के हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग आए हुए हैं, डिजिटेक वगैरह का है यहाँ पे, और ये गोडॉक्स की लाइट्स, जिसको गोडॉक्स की लाइट्स थी उसके लिए है। और हम अभी जा रहे हैं किसी काम से, एक बंदा है जो यहाँ हमसे मिलेंगे, और लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर रखी है यहाँ पे, सजा रखा है फ़ोटो बुक्स वाले ने, स्टॉल बहुत अच्छा लगा रखा है, फ्रेम्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। ये है आपकी लाइट, फोटो लाइट्स,
और ये निकॉन का है एक और छोटा स्टॉल, सर्विस कैमरे की सर्विस निकॉन और सोनी। यहाँ पे ना सभी के वो हैं, यहाँ पुरानी मशीन ले सकते हो प्रिंटर वगैरह। ये आईमैक्स का है स्टॉल छोटा सा, किसी को पिक्चर के लिए शूटिंग के लिए ट्रॉली वगैरह चाहिए तो यहाँ पे वो भी है। ये देखिए आप, और ये रहे हमारे भैया, अरे उसका तो देखिए यहाँ पे है हेमू भैया और उनके भाई जो पी रहे हैं चाय। हाँ हमें ऑफर हुई है कॉफ़ी और संस्कारों में कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी का मजा ले रहे हैं, अच्छी है। लोग चाय पी के निकल चुके हैं यहाँ से संस्कार और मैंने चाय पी है, चाय नहीं कॉफ़ी थी ना, हाँ कॉफ़ी थी। शुरू में तो थोड़ी थोड़ी मीठी लगी, बाद में तो फिर फीकी सी हो गई वो। और यहाँ एक ही हॉल है यार, ज़्यादा बड़ा स्पेस इन्होंने ले नहीं रखा क्योंकि इनके पास आइटम भी नहीं है ना, सारे कैमरे से रिलेटेड है फ्रेम वगैरह और ये लैमिनेशन मशीन वगैरह इतना वो है नहीं यहाँ पे। ये है यहाँ पे कोनिका मोनोल्टा की मशीन्स और ये है सारे पता नहीं क्या, हमें नहीं पता पर है तो कुछ जरूर। अमरी मानी चौधरी ये कैमरे के नीचे की बैटरीज, और ये है प्रोजेक्टर, देखा था मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर था इनका, 55,000 का प्रोजेक्टर, वही लूँगा प्रोजेक्टर तो वही लूँगा जो 55,000 वाला है, मुझे बहुत सही लगा वो। और उसे लाइट के लाइट जलाने के बाद भी अच्छे से दिख रहा था उसमें, ऐसा नहीं था कि पूरे कमरे की लाइट बंद करनी पड़ेंगी। और ये फ्रेम्स वगैरह की है शॉप, सारा उसका हुक्स वगैरह सारा मटेरियल, ये एल्बम्स, ये है टी शर्ट्स और प्रिंट्स, यहाँ प्रिंट्स करा सकते हो टी शर्ट्स वगैरह प्लो वगैरह। और यहाँ पे है आपका ट्राईपैड वगैरह, और ये 360 व्यू के लिए नया आया है, इस पर आप खड़े हो गए तो ये 360 व्यू लेगा। नहीं ये देखो 360 बन रहा है, 360 एंगल से शूट हो रहा है इनका, और थोड़ा सा भटक ले बेटा। और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया स्क्रीन लगाई हुई है, मेरे को तो मजे आ गया इसकी लाइट्स देख के, हाय कितनी शानदार लग रही है यार ये। और यहाँ पे है बैग्स वगैरह, बहुत बढ़िया कैमरे के बैग्स और बैंक क्यू के, यहाँ पे है मॉनिटर ये वाला था बैंक क्यू का, हाँ अच्छा। और ये है फ्रेम की शॉप, और आज है यहाँ प्रगति मैदान में लास्ट डे, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये है फ्रेम की शॉप, और ये है हमारे सर, कहाँ जाने सर आप? मैं आपको ब्लॉग पे स्टोर लगाया है, आज लास्ट डे ना सर? हाँ जी आज लास्ट, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, और ऐसे आप मिलते रहेंगे बाद में भी। और यहाँ पे ट्यूबलाइट लुक कर रही है, ब्लिंक कर रही है, मतलब गाँव में बोलते लुक कर रही है, मेरी बात है कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं किस टाइप से हो रखा है यहाँ पे सब कुछ मैनेज। ये है स्लाइडर जो मेरे पास भी है घर पे, बैटरी ले ले यहाँ पे कैमरे की, 6G बैटरी होगी, कितने की है? 750 मिल जाएगी भाई, ये कितने की है? 750 की मिल जाएगी आपको, 1000 रुपये की। और ये कितने की है? ये मिलेगा आपको 250 इधर, और 3000 रुपये की, 600 रुपये की है, फर्क क्या है जी? 600 की है, 600 की है, ये ले लो यार, ले ले बैटरी, बैटरी तो हमने कर लिया एग्जिट, 6:30 6:30 और सब कुछ पैक करने लग गए अब, क्योंकि अब आज लास्ट डे था तो सब ने पैकिंग कर ली अपनी, और हम भी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी में बैठे घर जाएंगे।
और फिर मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। अभी तो ब्लॉग बाकी है मेरी जान। सो गाइस अभी आ गए हम अपनी गाड़ी में। बहुत पैदल चलना पड़ गया यार, अब तो पैर मेरे दुख गए सारे। संस्कार ने आज पैदल इतना चला दिया ना मेरे को, मेरी हालत टाइट हो गई। पैदल चल चल के सीट और सीट बैठ ही रहूँगा। चलान हो जाएगा तो मैं भर दूंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, नहीं है आई हैव लॉट्स ऑफ कमी, मनी की कमी। गाइस अभी लगी है बहुत तेज भूख और हम देख रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए बढ़िया सा। यहाँ पर कुछ फेमस वेमस मिलता है क्या है? देख लिया कुछ फेमस में मिलता है उसी के पास लेके खाने वाने कुछ। सो गाइस अभी हम आए हैं खाना खाने, बहुत तेज भूख लगी थी और बहुत देर बाद हमें खाना मिल रहा है। संस्कार खाना खा रहा है और हम खा रहे हैं मलाई चाप और नान। कहाँ पे खा रहे हैं? यहाँ पे खा रहे हैं, फोकस कर दिखाता हूँ, बंटी ढाबा। और यहाँ बहुत सारे हैं तो हम आए हैं ककड़ुमा खाना खाने।